Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कोरोना वायरस महासंकट के बीच देश में लॉकडाउन लागू को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गहन चर्चा की। लॉकडाउन 3.0 की मियाद 17 मई को पूरी हो रही है, ऐसे में हर किसी के मन में सवाल था कि क्या इसे बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक में जो संकेत आ रहे हैं वो देश में लॉकडाउन 4.0 का इशारा कर रहे हैं। हालांकि पहले से काफ़ी अलग होगा और राज्य को काफ़ी ताकत मिल सकती है। सोमवार को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच 6 घंटे से लंबी मैराथन बैठक चली। इस दौरान मुख्यमंत्रियों ने अपनी परेशानी और लॉकडाउन को लेकर राय को पीएम के सामने रखा। इनमें से महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल और तेलंगाना ऐसे राज्य थे जिन्होंने लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की। कई अन्य राज्यों ने भी सिर्फ रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में सख्ती के लिए हामी भरी। हालांकि अगर लॉकडाउन 4.0 आता है तो इस बार आर्थिक गतिविधियों को छूट मिल सकती है, जिसमें कई नियम शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इनको तय करने का हक राज्यों को मिल सकता है, जिसका संकेत मिल रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया है, जन से जग तक। इस बीच प्रधानमंत्री की ओर से राज्यों से प्लान मांगा गया है, जिसमें लॉकडाउन को खोलने, आर्थिक गतिविधियों को चालू रखने और ग्रीन, रेड, ऑरेंज जोन को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। कई राज्यों ने इस बात की मांग की थी कि जोन तय करने की ताकत राज्य के हाथ में दे दी जाए। कई मुख्यमंत्री इस दौरान अलग अलग राय देखते हुए नजर आए। जैसे उद्धव ठाकरे ने कहा कि बिना लॉकडाउन के आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। वहीं ममता बनर्जी ने केंद्र पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि हर किसी का साथ में होना जरूरी है। तेलंगाना, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने ट्रेन सेवा या विमान सेवा की शुरुआत करने को मना कर दिया। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की वजह से देश में 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जो मार्च 25 से अब तक लागू है। लॉकडाउन को 3 बार बढ़ाया जा चुका है। लॉकडाउन 3.0 की अवधि 17 मई को समाप्त हो रही है। इस बीच देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर लगभग 70,000 के करीब पहुंच गए हैं, जबकि कुल मौतों का आंकड़ा लगभग 2,200 के पार हो गया है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ 5 की रिपोर्ट।